राम राम किसान भाइयों। तो आज हमारे साथ में है जॉन डियर का छोटू। तो किसान भाइयों, हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं भैया। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा रिव्यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लो सब्सक्राइब। क्यों इतना वो करते हो? क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों से मेरी एक शिकायत है भैया कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप कोई सा वीडियो देखते हो फटाफट फ़ोन लगा देते हो कि सर इसकी जानकारी चाहिए। आप डीलर का नंबर तो वहीं पे दे के रखते हैं और नया वीडियो देख आप इसलिए नहीं देख पाते हो क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपको सारी डिटेल मिलती रहेगी। बात करें इस ट्रैक्टर के बारे में तो काफ़ी शानदार ट्रैक्टर मिलता है, जॉन डियर का 3028EN मॉडल। अगर इस ट्रैक्टर के बारे में बात करें तो इस ट्रैक्टर को हमने 28 मतलब ट्रैक्टर जो है 28 हॉर्स पावर की कैटेगरी का ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर के बारे में बताया जाता है, फोर व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर आता है। अगर सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको इसके अंदर मिलने वाला है। और अगर इसके अंदर बात करें इंजन के बारे में तो 28 HP का इंजन, 3 सिलेंडर इंजन, FIP पंप आपको मिल जाता है जो काफ़ी शानदार है। उसके अलावा अगर इस ट्रैक्टर को मैं अगर देखूं आसपास से तो काफ़ी शानदार मिलता है। इसके अंदर 16 गियर मिलने वाले हैं, 8 फॉरवर्ड 8 रिवर्स, और ये काफ़ी शानदार चीज़ है। अब मैं चलता हूँ इसके सीट पर और आपको दिखाता हूँ। इसके पहले हम इसका इंजन को एक्सेस कर लेते हैं। तो इसके लिए शायद आपको इसको यहाँ पर उठाना पड़ेगा, इसको खींचना पड़ेगा और यहाँ से आपका उठ जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लें फ्रंट में, देखिए कितना छोटू ट्रैक्टर है, छोटू वाला रिव्यू हो रहा है। ड्राई टाइप का फिल्टर मिल जाता है विथ सेंसर के साथ में, आपको सेंसर भी मिल जाएगा। और अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, बॉस कंपनी के पंप मिल जाते हैं, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है और 2800 RPM रेटेड ये इंजन आता है। FIP आपको पंप मिलने वाला है इसके अंदर और EGR इसके अंदर लगा हुआ है। और आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर आपको ऑयल जेट मिल जाते हैं, ऑयल कूलर मिल जाएगा, सारी चीज़ें जॉन डियर की मिल जाएंगी। उसके अलावा किसान भाइयों मेन चीज़ क्या होती है, छोटे ट्रैक्टर का जो उपयोग होता है बागवानी के लिए होता है। अब इसके अंदर आपको सिंक्रोमैश गियर मिलने वाले हैं, मतलब बहुत ही शानदार साइड शिफ्ट गियर। जब आप इसके ऊपर बैठोगे तो काफ़ी अच्छा फील आएगा आपको। यहाँ पर पावर स्टीयरिंग और यहाँ पर आपको फॉरवर्ड और रिवर्स मिल जाता है। मतलब अगर इस ट्रैक्टर की बात करें तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप मैं दिखाना चाहूँगा। ABC के अंदर आपको 8 फॉरवर्ड और 8 रिवर्स गियर आपको मिलने वाले हैं, जो काफ़ी शानदार चीज़ है। उसके अलावा अगर मैं स्पीडों की बात करूं तो इसके अंदर 35 की स्पीड मिलने वाली है, ये भी काफ़ी शानदार है। उसके अलावा यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक कंट्रोल्स मिल जाएंगे और टर्बो चार्जर इंजन होने के कारण ये ट्रैक्टर आपका चाबी से ही बंद होगा और चाबी से ही स्टार्ट होगा। ये देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ चाबी से, ये देखिए। हाँ हाँ, बिल्कुल साइलेंट इंजन है, साइलेंट इंजन है। और यहाँ पर अगर मैं इसको बंद करूँ तो बंद भी हो जाएगा। और देखो भैया, अगर मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट किया और हल्का सा क्लच दबाया, ए लगाया और गियर देखिए आप, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा एकदम मक्खन जैसे, और ये आपका ट्रैक्टर चालू हो गया। हाँ, अभी यहाँ पर फॉरवर्ड भी कर दिया ये, और ये देखिए चलने लगा, झटका मारता है भैया। और इसको अपन फोर्थ लगा लेते हैं, ये देखिए किसान भाइयों, इसको अपन कहीं भी लेके जा सकते हैं। छोटू ट्रैक्टर है, बागवानी के लिए काफ़ी शानदार ट्रैक्टर माना जाता है ये, और बहुत ही शानदार ट्रैक्टर माना जाएगा। सिंक्रोमैश गियर, OIB ब्रेक, सारी सुविधाएं आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएंगी और इसी से रिवर्स हो जाता है। सेटल शिफ्ट गियर यहाँ पर देके रखा हुआ है। बाकी अगर बात करें इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग के बारे में तो भैया बता देते हैं, हम 910 केजी का वज़न ये आसानी से उठा सकता है, 9 क्विंटल आप तो मान के चलो। PTO भी इसका काफ़ी शानदार है। जो ईंट बनती हैं, ईंट में जो हमारा मडिंग का काम होता है उसके लिए भी ये ट्रैक्टर बहुत ही उपयोगी माना जाता है। और बाकी आने वाला समय है वो इसी का ज़माना है, अब वो ज़माना आने वाले समय में और भी अच्छे तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगा, तो काफ़ी शानदार चीज़ है। उसके अलावा इसके हम आपको एक और चीज़ बता दें, इसका PTO बता देते हैं आपको। तो इसका PTO की बात करें तो करीब करीब 23.4 HP का PTO पावर आपको मिलने वाला है। SFC की बात कर ले तो 294 ग्राम किलो वॉट मिलने वाला है और 216 ग्राम पर HP मिलने वाला है, ये SFC। और टायर की बात कर ले 5/12 का फ्रंट टायर, और बैक टायर की बात कर लें तो 8/3/24 का बैक टायर मिल जाएगा। तो काफ़ी शानदार ट्रैक्टर अपने सेगमेंट का माना जाता है, इसको भी देते हैं। सर प्राइसिंग की बात कर ले तो कितने का प्राइस में ये स्टार्ट होता है?
इसमें दो तीन वेरिएंट आते हैं, 5.5 से लेकर 6 लाख। अगर बात करें प्राइसिंग की सर, तो कितने का सर बताया आपने? 5.5 लाख रुपए से लेकर 2-3 वेरिएंट आते हैं, तो उनमें थोड़ा परिवर्तन होता जाता है, 6 लाख रुपए तक का। 6 लाख तक का। ये बागवानी कृषि के लिए विशेष रूप से कार्य का है। ब्लास्टिंग जिससे होती है आम अंगूर संतरा के ऊपर, जामफल केला वगैरह सभी फसलों के लिए, बागवानी खेती के लिए। बिल्कुल, बहुत शानदार ट्रैक्टर किसान भाई। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें बता दो भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम जी।